हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक फ्रॉक का पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। ये हम स्क्वायर नेक की बना रहे हैं। वैसे मैंने राउंड नेक की एक फ्रॉक बनाई हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और ये जो हम फ्रॉक बना रहे हैं, इसका गला हमने थोड़ा बढ़ा लिया है क्योंकि हम फ्रॉक का बड़ा लेते हैं। और वैसे मैं ये 3 to 6 मंथ के लिए बना रही हूँ। अगर आपको और बड़ा बनाना है तो मैंने एक पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें स्वेटर बनाया था, उसमें मैंने 0 to 18 मंथ तक के बच्चों के लिए नाप बताया हुआ था। तो आप उसके हिसाब से इसका थोड़ा सा गला बड़ा ले सकते हैं फ्रॉक का। तो अगर आपने वह भी वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप थोड़ा सा बढ़ा के कितना ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये देखिए, मैंने 60 चैन्स बनाई हैं और ये क्रोशिया लेंथ है 3.50 mm का। तो ये मैंने एक स्वेटर का वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैंने उसमें चैन कितना लेते हैं, योग कितना लेते हैं जब हम बनाते हैं स्क्वायर शेप का ये फ्रॉक या स्वेटर बनाते हैं तो किस तरीके से लेते हैं, ये मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा, तो उससे आपको थोड़ा और अंदाजा हो जाएगा। तो ये 60 चैन्स बनाई हैं, 2 और बनाएंगे, 1 और 2, और यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3 और फोर्थ वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाते हैं। ये चैन 3 है जो हमारा 1 डबल क्रोशिया है, इसके बाद हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसको मिला के। तो ये 1, 2 हो गए, अब ये 3, तो मैं 9 बना लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। और ये जो 9 वाला स्टिच है, ये देखिए हमने 9 बना ली। 9 वाले में हम चैन 1 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारा आगे का आधा फ्रंट हो गया है। वापस से हम आधा फ्रंट इस तरफ से बनाएंगे। अब यहाँ से हम स्टिच बनाना शुरू करेंगे। ये फर्स्ट, इसको फर्स्ट काउंट करेंगे जो बनाएंगे हम पहला। अब हम 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे हर एक में। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 12 स्टिच बना ली है। अब जो 12th वाला है उसमें हम चैन 1 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारा आर्म होल वाला हिस्सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारे मुड्डे आते हैं वहाँ। अब फिर से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 9 लिए हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो हम पीछे की तरफ 18 लेंगे। तो 12 यहाँ, 9 यहाँ, और ये पीछे की तरफ 18। मैं बना लेती हूँ 18। ये हमारा फर्स्ट हो गया 2। तो ये देखिए, ये हमारा 18 वाला डबल क्रोशिया है, इसमें हम चैन 1 बनाएंगे और वापस से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारे 3 कोने हो गए हैं। अब एक और बनाना है हमें, फिर यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे और 12 बना लेंगे क्योंकि हमने मुड्डे पे 12 लिए थे इस तरफ भी, तो इस तरफ भी 12 आएंगे 2। ये देखिए, यहाँ से हमारा ये 12 वाला डबल क्रोशिया है, चैन 1 बनाएंगे और वापस इसी में 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारे 4 कोने हो गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 9 स्टिच ही बचने चाहिए। अगर आपके नहीं बचते हैं तो आपने यहाँ पे चैन काउंटिंग में गलती की हुई है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये 9 डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं, फिर आगे वाली रो बनाएंगे। तो ये देखिए हमने बना लिया है, और ये देखिए इस तरीके से आएगा ये। तो ये हमारे 9 9 आगे की तरफ, 12 साइड में और 18 पीछे की तरफ। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो हमारा क्रोशिया की वजह से भी हमारा फर्क पड़ता है, लेकिन अगर ऊन पतली या मोटी होना तो इस वजह से भी ये जो हम बनाते हैं इसमें थोड़ा अंतर पड़ जाता है। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और इस तरफ पलट लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, जस्ट यहाँ पे यहाँ से शुरू करेंगे 1 3 4 5 6 7 8
ये देखिए, या मेरी काउंटिंग में गलती हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th वाला स्टिच है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो वी स्टिच बनाए थे हमने, चैन वन का स्पेस दिया था, इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और वापस से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम यहाँ से स्टिच बनाना शुरू करेंगे। दूसरे कोने तक बना लेंगे। देखिए हम दूसरे कोने पे आ गए। अब ये जो हर कोना है, देखिए हमें इसमें क्या करना है, 1 डबल क्रोशिया बनानी है, चैन वन बनाएंगे और वापस से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इसमें ही, इस तरीके से। फिर हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बना लेंगे। तो हर वी स्टिच में हमें इस तरीके से ही बनाना है। तो मैं आपको लास्ट में यहाँ पे आके मिलती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पे हमारे 2 स्टिच हैं, आपको लगेगा एक ही है, लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। ये देखिए एक स्टिच तो हमारा ये है और शुरू में जो हमने चैन 3 जोड़ी थी वो भी हमारा एक स्टिच का हमने काउंट किया था, तो इसमें भी हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना ही है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपका एक तरफ से कम हो जाएंगे स्टिच और एक तरफ ज़्यादा हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, वापस से चैन 3 बनाएंगे, 1 2 और 3 और देखिए यहाँ से स्टिच बनाना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 7 8 9 1, ये चैन 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखिए ये हमारे 10 स्टिच हो गए और हमें यहाँ तक बनाने हैं। और फिर देखिए वापस से चैन 1 का जो स्पेस है इसमें 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें ये रो बनाती जानी है, हर चैन 1 के स्पेस में ये वी स्टिच बनाना है। इस तरफ से जाएंगे, यहाँ आएंगे और जो चैन 3 बनाई है उसमें स्टिच ज़रूर बनाना है। बार बार हम इस तरीके से ही बनाते रहेंगे जब तक हमें जितनी योक की लंबाई चाहिए उतनी हो नहीं जाती। तो ये देखिए मैंने योक की लंबाई पूरी कर ली है और ये देखिए यहाँ पे ये 11 सेंटीमीटर हो रहा है। और जब हम इस तरीके से नापेंगे तो ये आपको चेस्ट आपको 9.5 चाहिएगी, 9.5। तो इस तरीके से आप नापेंगे तो ये आपकी चेस्ट 9.5 आनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ेगा ये, इसलिए थोड़ा आपको कम लग रहा है। और मैंने इसमें रो बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये 9.5 आना चाहिए। और आपको और चेस्ट साइज जानने हैं तो आप, मैं जो स्वेटर का लिंक है मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। मैंने सबके चेस्ट बताए हुए हैं, 0 to 18 मंथ के कितने चेस्ट चाहिएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब लास्ट रो बनाएंगे। हो सकता है कि अगर आप, ये थोड़ी ऊन पतली है, अगर आपकी ऊन मोटी है तो आपका ये 8th रो में ही पूरा हो जाए, ये जो आपको योग साइज चाहिए 8th रो में ही पूरा हो जाए, मेरा 9th में हुआ है। तो ये देखिए अब क्या करेंगे, ये हम लास्ट रो बना रहे हैं योग की। यहाँ पे हम आर्म होल को और बॉडी पार्ट को डिवाइड करेंगे। देखिए अब चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और इस तरफ पलट लेंगे, और यहाँ से स्टिच बनाना शुरू करेंगे। हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे, 1। और ये हम, ये जो हमारा फर्स्ट ये वी स्टिच है यहाँ तक बना लेंगे हर एक स्टिच में एक एक। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है, ये हमारा फर्स्ट कोना है। अब ये जो वी स्टिच है इसमें भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, ये देखिए ये सारे स्टिच छोड़ेंगे। और ये सेकंड वाला कोना है इसमें हम एक सीधा 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे चैन 1 के स्पेस में, ये देखिए इस तरीके से। अब फिर आप यहां से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना शुरू करेंगे और 3rd वाले कोने तक बना लेंगे। मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए
थर्ड वाले वी स्टिच में आ गए। यहाँ पे वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और यहाँ फोर्थ वाले स्टिच में, फोर्थ वाला जो वी स्टिच है इसमें हम सीधा डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच के स्टिच को छोड़ दिया है हमने इस तरीके से। अब लास्ट तक हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा बॉडी पार्ट जुड़ गया, ये देखिए इस तरीके से आया है। इस साइड के ये आर्म होल है और ये बॉडी पार्ट है। अब हम इसमें स्कर्ट पैटर्न डालेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और ये यहाँ से दो स्टिच छोड़ेंगे, वन टू, और थर्ड वाले में टू डबल क्रोशिए, चैन टू, वन टू, और फिर से टू डबल क्रोशिए बनाएंगे। फिर यहां से दो स्टिच छोड़ेंगे और थर्ड वाले में टू डबल क्रोशिए, चैन टू, और टू डबल क्रोशिए वापस से इसी स्टिच में बनाएंगे। देखिए इस तरीके से आया। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है और ये देखिए यहाँ पे ये वन और टू छोड़ेंगे और ये चैन वन का स्पेस है, इसमें हम टू डबल क्रोशिए, चैन टू और टू डबल क्रोशिए बनाएंगे। यहाँ से दो स्टिच छोड़ेंगे और यहाँ इस कोने पे आके फिर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे वन टू स्टिच छोड़ेंगे और फिर थर्ड वाले में टू डबल क्रोशिए, चैन टू और टू डबल क्रोशिए बनाएंगे। तो ऐसा करके हम आगे तक बना लेंगे। देखिए यहाँ तक बना लेती हूँ फिर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो देखिए मैं ये थर्ड वाले सेकेंड वाले आर्म होल में आ गई हूँ। अब देखिए शुरू में मेरे यहाँ पे टू ही स्टिच बच रहे थे और ये यहाँ पे सही से आ रहा था पैटर्न, अब मेरे यहाँ पे थ्री स्टिच बच रहे हैं। तो हम ये वाले स्टिच को भी स्किप कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ बीच में बनाया है पैटर्न, तो बीच में ही बनाएंगे, नहीं तो एक तरफ से टेढ़ा, एक तरफ से एक तरफ की तरफ ज्यादा हो जाएगा घेर और एक तरफ कम हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको बीच में ही बनाऊंगी। अगर आप जब बनाएं आपका पहले यहाँ पे अगर स्किप में आ रहा हो ये वाला स्टिच तो आप यहाँ पे मत बनाएं, तो अगर इसमें नहीं बनाया आपने तो इसमें भी नहीं बनाएंगे, और अगर आपका तो आप एक आध स्टिच स्किप करके और इसको भी स्किप कर दें। अगर इस आपने फर्स्ट आर्म होल में अगर ये पैटर्न नहीं बनाया स्किप में आया है तो इस वाले में भी नहीं बनाया, अगर इस वाले में बनाया है तो आपको कैसे भी करके यहाँ पे थोड़ा सा स्टिच आगे पीछे करके आपको यहाँ पे बनाना है। तो जैसे मेरे यहाँ पे मैं थ्री स्टिच छोड़ रही हूँ और यहाँ पे बनाऊंगी, वन टू चैन वन टू और टू डबल क्रोशिया। तो ठीक है ना, ये तो हमारे क्या होता है कि एक तरफ घेर ज्यादा हो जाएगा जब हम आगे बढ़ाएंगे घेर को, तो एक तरफ की तरफ घेर जाएगा और एक तरफ कम आएगा, यहाँ पे सही से नहीं आएगा। अब फिर हम यहाँ से दो स्टिच छोड़ेंगे और थर्ड वाले में टू डबल क्रोशिए, चैन टू बनाएंगे। तो ऐसा मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट में दो स्टिच छोड़ेंगे और ये जो थर्ड चैन है, चैन हमने बनाई थी शुरू में, इस पे वन डबल क्रोशिए बना लेंगे इस तरीके से। अब चैन थ्री बनाएंगे और इसको इस तरफ पलट देंगे। अब हम वापस से वही रो रिपीट करेंगे, यहाँ पे हमारा पैटर्न बन गया। अब हमें सिर्फ इसके ऊपर ये जो चैन टू का स्पेस है हम टू डबल क्रोशिए, चैन टू और टू डबल क्रोशिए बनाएंगे। तो ऐसा हम लास्ट तक बना लेंगे। तो ये वाली रो और इसके आगे वाली रो हमें सेम इसी पैटर्न में बनानी है, टू डबल क्रोशिए, चैन टू और टू डबल क्रोशिए बनाएंगे। तो ये दो रो बना लूंगी मैं, ये वाली, इसके अलावा दो और बना लूंगी, फिर थर्ड वाली रो पे आके मैं आपको मिलती हूँ, फिर वहां मैं क्या चेंज करना है मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने वन टू थ्री, ये टू डबल क्रोशिए, चैन वन टू और टू डबल क्रोशिए की रो बनानी है तीन। अब हम जो रो बनाएंगे इसके लिए देखिए क्या करेंगे, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और इसको इस तरफ पलट लेंगे। और ये जो देखिए
ये जो चैन टू का स्पेस है यहाँ पे अब हम बनाएंगे थ्री डबल क्रोशिए, टू थ्री, चैन टू का स्पेस देंगे, फिर वापस से इसी में हम थ्री डबल क्रोशिए और बनाएंगे, वन टू और ये थ्री, फिर ये दूसरे चैन टू के स्पेस में आ जाएंगे, यहाँ पे हम थ्री डबल क्रोशिए बनाएंगे, टू और ये थ्री, चैन टू बनाएंगे और वापस से थ्री डबल क्रोशिए बनाएंगे, टू और ये थ्री। तो ये वाली जो रो है हमें इसी तरीके से पूरी करनी है, इसको मैं लास्ट तक पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये इसका स्कर्ट पार्ट पूरा कर लिया है और मैंने ये थ्री डबल क्रोशिए चैन टू थ्री डबल क्रोशिए वाली रो को ही मैंने बार बार रिपीट किया है, फोर डबल क्रोशिए ज़्यादा हो रहे थे, घेर बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने इतना ही थ्री डबल क्रोशिए वाली बनाई है। और कुल मिला के मैंने रो बनाई इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये पूरा ऊपर से मिल यहाँ से लेके यहाँ तक 12.5 इंचेस हो रहा है, तो 13 इंचेस तक हम इसकी लंबाई रख सकते हैं। अगर आपको और रखनी है तो आप और रख सकते हैं। तो अब हम इसका ये आर्म बनाएंगे,